अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, उम्मीद है आप जहां भी होंगे बाफजले अल्लाही खैरियत से होंगे। घरेलू जिंदगी के होम मेकिंग टॉपिक्स की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर कर लें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो जाए। इंशाअल्लाह मालूमात पेरेंट्स के लिए मुफीद होंगी। कोविड-19 की वजह से हमारे तालमी निजाम की ऑनलाइन क्लासेस में तब्दीली न सिर्फ फैमिलीज बल्कि बच्चों के लिए भी बड़ा चैलेंज है, और होम बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों का लैपटॉप मोबाइल एंड टीवी पर वॉचिंग स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। आज का टॉपिक पेरेंट्स की गाइडलाइन सीरीज की पेरेंटिंग एपिसोड 1 है, जो कि बच्चों की आँखों की हिफाजत के लिए पेरेंट्स की रहनुमाई है। कोविड लॉकडाउन की वजह से होम बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस का आगाज और आउटडोर टाइम के मौके कम होने के वजह से बच्चे पहले से कहीं ज्यादा डिजिटल डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोरोना वायरस के मुसलसल फैलाव का मतलब यह है कि बच्चों का कंप्यूटर स्क्रीन टाइम जल्द कम होने वाला नहीं। इंटरनेशनल आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर म्यूजल रिपोर्ट कर रहे हैं के वॉलिडन की सबसे मेन शिकायत उनके बच्चों की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक है, जिन मेन शामिल हैं आईसाइट में तब्दीली, आँखों की ड्राइनेस, ब्लरी विजन, आँखों की थकावट और सर दर्द। यही वजह है कि वॉलिडन को बच्चों की सेहत के बारे में पहले से ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, खास तौर पर आँखों की सेहत से मुतालिक। बच्चों की आँखों को एंड डिजिटल डिवाइसेस के ज्यादा इस्तेमाल के नुकसान से बचाने के लिए पेरेंट्स एंड 6 तरीकों को अपनाएं। नंबर 1 पे है, बच्चे थोड़ा वक्त घर से बाहर फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट में गुजारें। राइट, नेचुरल लाइट अस रोशनी से मुख्तलिफ होती है जो डिजिटल डिवाइसेस की स्क्रीन से निकलती है। नेचुरल लाइट ब्रेन से एक केमिकल डोपामिन को रिलीज करने का सबब बनती है। ये आँखों की एबनॉर्मल ग्रोथ को रोकती है, इसलिए डॉक्टर्स की तरफ से मुनासिब आउटडोर वक्त गुजारने को भी आँखों का हिफाजती तरीका कहा गया है। नंबर 2 पर है, डिजिटल स्क्रीन के यूज करने के वक्त स्क्रीन से मुनासिब फासला रखिए। होम बेस्ड ऑनलाइन क्लास सिस्टम से बच्चों के लिए खास चैलेंजेस हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें मुसलसल वक्त तक अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस रखने की जरूरत होती है। इस लंबे टाइम तक स्क्रीन एक्सपोजर के मुजर असरात को कम करने का एक तरीका यह यकीनी बनाना है कि बच्ची स्क्रीन को यूज करते हुए मुनासिब डिस्टेंस पर रहें। नेचुरली हमारी आँखों की बनावट मोस्टली ज्यादा डिस्टेंस से देखने के लिए है, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन एक ब्राइट और लो रेजोल्यूशन होती है। मजीद ये कि स्क्रीन की रॉन्ग पोजीशनिंग की वजह से ये देखने की और भी चैलेंजिंग सूरत हाल हो जाती है, इसलिए यह हैरत की बात नहीं है कि आँखों के डॉक्टर बच्चों को रिसेंटली ज्यादातर आँखों से मुतालिक प्रॉब्लम्स के साथ देख रही हैं। आँखों के बहुत से डॉक्टर्स लैपटॉप स्क्रीन को एक बाजू की लंबाई के डिस्टेंस तक रखने का मशवरा देते हैं। मजीद ये के बच्चों को लैपटॉप्स यूज करते हुए इन रूल्स का भी ख्याल रखना चाहिए कि मुनासिब कंफर्टेबल सिटिंग चेयर हो, फ्लोर पे पाउंड बिल्कुल फ्लैट रखे हो और बैक बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन हो। नंबर 3 पे है 20-20 रूल। अगर आप सोचते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे स्पेंड टाइम को ऑफ स्क्रीन टाइम के साथ कैसे बैलेंस किया जाए, तो 20-20 रूल पर अमल करना चाहिए। 20-20 रूल ये है, हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद बच्चों को 20 सेकंड का वक्फा लेना चाहिए, और इस वक्फे के दौरान 20 फुट के डिस्टेंस तक देखना चाहिए, ताकि आंखों का रेस्ट हो सके। जब हम कंप्यूटर स्क्रीन को म्यूजल फोकस करते हैं तो
हमारी आँख झपकने की स्पीड 50% तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा आँखों की ड्राइनेस और विजन फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसलिए अन ब्रेक्स के दौरान हर 20 मिनट के बाद आँखों को थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेना चाहिए। क्या आपने सोचा हमें अपनी आँखों को क्यों झपकना चाहिए? डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक शौरी तौर पर आँख झपकना आँखों की सतह पर इक्वल आंसू को तकसीम का देता है और आँख ड्राई होने के चांसेस कम का देता है। जितने देर बच्चे डिजिटल स्क्रीन को देखते हैं, इतना हाई कम वो आँखों को झपकते हैं, जिसके नतीजे में आँखों की ड्राइनेस हो जाती है। और ऐसे आँखों को रब करना, जरूरत से ज्यादा आँखों को झपकना और धुंधलापन जैसी अलामत का खदशा बढ़ जाता है। माहिर आई स्पेशलिस्ट आईज ड्राइनेस से बचने के लिए यह तरीके तजवीज करते हैं कि मोनासिब से नीम गर्म पानी को बर्तन में डालकर बच्चे के रूम में रख लें। ये रूम के माहौल को जल्दी ठीक कर सकता है, या फिर अगर मुमकिन हो तो बच्चों के रूम में एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नंबर 4 पे है स्क्रीन टाइम के यूज में तवाजुन रखें। पेरेंट्स बच्चों के स्क्रीन टाइम को उनके आउटडोर टाइम से मुंसलिक कर दें, यानी के बच्चे का एक दिन का एक घंटे का स्क्रीन टाइम गुजारना बच्चे से इक्वल एक घंटा की आउटडोर एक्टिविटी का तकाजा करता है। एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है कि बच्चों के पास 2 इयर्स की उम्र से पहले डिजिटल डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद डॉक्टर्स मजीद तजवीज करते हैं कि स्क्रीन टाइम को रोजाना एक घंटा तक महदूद रखें, जब तक के बच्चे स्कूल की उम्र तक ना पहुंच जाएं। मजीद आहिंग बात यह है कि एक्सपर्ट्स डिजिटल डिवाइसेस की मुकम्मल तौर पर बच्चों पे पाबंदी की सिफारिश नहीं करते, बल्कि इनके इस्तेमाल का डिसिप्लिन सिखाने की बात करते हैं, क्योंकि बच्चे इन डिवाइसेस को तमाम जिंदगी काम के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए बच्चों के लिए इसके तरीके इस्तेमाल से वाकफियत हासिल करना जरूरी है। इसलिए महिलाओं का कहना है कि पेरेंट्स घर पर बच्चों को डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल के बैलेंस डिसिप्लिन को सिखाएं। नंबर 5 पे है स्क्रीन की रोशनी को मुनासिब सेटिंग्स पे रखें। स्क्रीन की ब्लू लाइट जो दिन के वक्त आपकी स्क्रीन को ज्यादा आसानी से दिखाती है, वही लाइट शाम को देर तक इस्तेमाल करने से नींद न आने की रीजन बन जाती है। एक हलिया टेक्निक ने स्क्रीन लाइट एडजस्टमेंट्स और स्लीप के पैटर्न में कनेक्शन को साबित किया है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि इस अमल में बच्चे की हेल्प करें, ताकि उनकी स्क्रीन को मुनासिब ब्राइटनेस लेवल पर एडजस्ट किया जा सके। मजीद ये के बच्चों की लैपटॉप यूज की सिटिंग पोजीशन में भी हेल्प की जाए, ऐसी पोजीशन जिससे आँखों में जाने वाली ब्राइट लाइट को कम सा कम किया जा सके। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि बच्चों को सोने से एक घंटा कबल हर तरह की स्क्रीन लाइट्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से भी बच्चों की अच्छी नींद को यकीनी बनाने में हेल्प मिलती है। एक और अहम बात, विंडोज 10 में नाइट लाइट का ऑप्शन मौजूद है और उसको नाइट आवर्स में यूज किया जा सकता है। नंबर 6 पे है पेरेंट्स बच्चों की आँखों से रिलेटेड अलामत पे ध्यान रखें। अगर आप अपनी बच्चों की आईज हेल्थ के लिए परेशान हैं, तो कुछ आँखों की वो आहूम अलामत जिनकी वजह से इनको चेकअप की जरूरत हो सकती है वो ये हैं: सर दर्द का होना, धुंधला नजर आना, आईज की ड्राइनेस और फ्रीक्वेंट आईज की रबिंग। अगर आईज के प्रॉब्लम केसेस फैमिली में फ्रीक्वेंट होती हैं, तो आपको अपने बच्चे की आँखों की सेहत की ज्यादा केयर करना होगी। और फैमिली हिस्ट्री ना भी हो तब भी बच्चों को रेगुलर आईज चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाना पेरेंट्स का एक अच्छा अमल है। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को मुकम्मल सेहत से रखे, आमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मजीद मुफीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।